ओके, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज संजय पांडे, योर केमिस्ट्री टीचर। हम लोग आ गए हैं क्लास 11th, सम बेसिक प्रिंसिपल्स के अंदर। ये लेक्चर नंबर 23 आज शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। और हम लोग लास्ट टर्न पे हम लोगों ने हेडिंग किया था, हम लोग को स्टार्ट क्या करना है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करना है, ठीक है। तो कॉपी में हेडिंग करिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और फिर इसको देखें ज़रा। हम लोग यहाँ पर आ गए, अगर पूरे आइसोमेरिज्म को समराइज करें एक मिनट में, तो सारी आइसोमेरिज्म को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया था। इट इज़ कॉल्ड, बोलिए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सब लोग बोलिए, सब लोग बोलिए, एंड स्पेस आइसोमेरिज्म। फिर स्ट्रक्चरल को फर्दर हम लोगों ने क्लासीफाई किया था कितने में, सिक्स टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को फर्दर सिक्स में क्लासीफाई किया था। ये है ऑर्निकेमिस्ट्री सम बेसिक, हाँ ये सम बेसिक प्रिंसिपल। सिक्स को नेम करिए जरा, चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। सब लोग बोलिए, सब लोग बोलिए, याद करिए, कॉपी देख के बोलिए। पोजिशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, करेक्ट, टाटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, और उसके बाद टाटोमेरिज्म हम लोगों ने किया, बहुत अच्छा। फिर हम लोग जब इस पर आ गए, फिर स्पेस आइसोमेरिज्म पर आ गए। स्पेस के अंदर कितना है, दो स्टडी करना है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो हम लोग को आज ऑप्टिकल शुरू करना है, ठीक है। उसके पहले देखिए, इस आइसोमेरिज्म को शुरू करने के पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, ये देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम लोग को शुरू करना है, उसके पहले कुछ हमको टर्म्स स्टडी करने हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के पहले कुछ टर्म्स स्टडी करने। सबसे पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझने के लिए जैसे कुछ चीज़ तो कॉमन चलेंगे, जैसे ये तो हो जाएगा ना कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये तो सब में सेम चलेगा। लेकिन जैसे एक ही चीज़ का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा, अगर दो कंपाउंड ए एंड बी, इनके आइसोमर्स को क्या कहा जाएगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स। आइसोमर्स इन ऑप्टिकल आइसोमर्स विल बी कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर। तो इतना तो कन्फर्म है, अगर ये दोनों आइसोमर है तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। लेकिन इसमें कोई डिफरेंस तो आना चाहिए ना, जैसे इसके पहले हम लोगों ने टाटोमर्स में डिफरेंस बताइए, पिछले टर्न पे किया था, टाटोमर्स में क्या डिफरेंस था, बहुत अच्छा। एक कीटो फॉर्म में था, दूसरा इनोल फॉर्म में। थोड़ा तेज बोलिए, थोड़ा यहां तक बोलिए, यहां तक आवाज आ जाए, क्योंकि आप देखिए बार बार रोज हम क्लास में कहते हैं इस चीज को, इसकी हैबिट बनाइए बेटा। अभी जैसे जैसे ही 11th 12th कंप्लीट होगा, जिंदगी तब शुरू होगी आपकी, और अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है तो दुनिया कुछ नहीं पूछेगी आपको। अगर आप अच्छे से अपनी बात को रखना नहीं चाहते, भाई अभी अभी हम ही हैं, बहुत धीरे धीरे बोले अगले दिन कोई नहीं दिखाई पड़ेगा यहाँ पे, कितना भी नॉलेज, हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, सब धरा रह जाएगा, कोई यहाँ नहीं आएगा। सबको कैसा अच्छा लगता है, एनर्जी अच्छी लगती है, तो उसी तरह से सब लोग बोलना शुरू करिए, इसकी आदत डालिए, ठीक है। हमने ये कहा कि ए और बी अगर आइसोमर है, ऑप्टिकल आइसोमर, तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, ये तो ठीक है, लेकिन इनकी कोई प्रॉपर्टी में तो सिमिलरिटी आनी चाहिए, डिफरेंस आना चाहिए। वो क्या डिफरेंस आना चाहिए, तो यहां पे हम लोग स्टडी करेंगे इनके, जो पहली बात इनके आइसोमर को क्या कहते हैं, आइसोमर्स इन द ऑप्टिकल आइसोमर्स आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स, इनका नाम होगा ऑप्टिकल आइसोमर्स। उस तरह से आगे जो करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में नाम होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो अब हमारा क्वेश्चन खाली ये हो रहा है कि ऑप्टिकल आइसोमर्स में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है। तो सिमिलरिटी तो ये है कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अब डिफरेंस हमको ये करना है कि दोनों की ऑप्टिकल एक्टिविटी में डिफरेंस होता है। अब सवाल उठता है कि ये क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, वहीं से बात शुरू करेंगे, ठीक है। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी को शुरू करने के पहले हमको एक चीज की जरूरत पड़ रही है, कॉपी में हेडिंग करिए निकोल प्रिज्म, NICOL, कॉपी में हेडिंग करिए निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म, जैसे जो ऑर्डिनरी प्रिज्म आपने देखा होगा, किस शेप का होता है ऑर्डिनरी प्रिज्म, प्रिज्म देखा कि नहीं देखा, कि नहीं देखा, नहीं देखा प्रिज्म, अरे बाप रे बाप,
नहीं तो ये इनकी गलती थोड़ी, स्कूल की गलती है, ये एजुकेशन सिस्टम है ये, क्या कहा जाए। जब अभी लास्ट ईयर एक बच्चा ट्वेल्थ का आया था, ट्वेल्थ का बच्चा, उसको वाटर का बॉलिंग पॉइंट नहीं पता था। अब क्या कहेंगे इसके लिए, वाटर का बॉलिंग पॉइंट ट्वेल्थ के बच्चे को ना पता हो, ये एक्सेप्ट, मतलब एक्सेप्ट होती है बात, क्या सवाल ही उठता है। अब आगे अब नो वर्ड्स नो कमेंट्स, कुछ कह नहीं सकते, अब क्या कहें, किसको कहें, तो कुछ नहीं कह रहे हैं। स्कूल पैसे कमाने के लिए खुल गए हैं, तो वही तो कह रहे हैं, स्कूल फीस रेगुलर जानी चाहिए स्कूल के, है ना, पैसा पैसे के लिए बिजनेस खाली चालू चल रहा है। बच्चे को बॉलिंग पॉइंट नहीं पता, प्रिज्म नहीं देखा उसने, या बायो का बच्चा है उसने अभी तक वो स्पेसिमेन नहीं देखा जिसमें वो लिक्विड में फॉर्मलिन हम लोगों ने किया था, फॉर्मल्डिहाइड HCHO जिसमें स्पेसिमेन रखा जाता है, उसने कभी देखा ही नहीं, तो ये स्कूल की जिम्मेदारी है ना। चलिए, निकोल प्रिज्म जो होता है वो ट्रायंगुलर शेप में रहता है। अब यहाँ तो है नहीं, हम दिखा नहीं सकते, हैं बेटा, हाँ हम दिखा रहे हैं आपको। जैसे देखें, अगर हम दो निकोल प्रिज्म को जोड़ दें तो ऐसा शेप आता है, जैसे मतलब एक निकोल प्रिज्म इसका आधा कर दें तो ये एक निकोल प्रिज्म, ये प्रिज्म ऐसा हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। फिर दो को जोड़ दिया तो एक इधर रखा था, एक इधर रखा था, तो ये स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। ठीक है, निकोल प्रिज्म ऐसा होता है, नीचे ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ करिए एक स्क्वायर बना के, और एक डायगनल दिखा दीजिए, डायगनल दिखा दीजिए, और फिर नीचे एक सेंटेंस लिखिए, इट इज मेड ऑफ, निकोल प्रिज्म क्या होता है तो लिखिए, इट इज मेड ऑफ कैल्साइट, CALCITE, कैल्साइट, इट इज मेड ऑफ कैल्साइट और आइसलैंड स्पार, ICELAND, आइसलैंड स्पार और आइसलैंड स्पार, फिर कॉमा लगाइए, विच इज अ स्पेशल क्रिस्टलाइन फॉर्म, विच इज अ स्पेशल क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो क्या पता लगा अभी तक हम लोग को, निकोल प्रिज्म क्या होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का एक क्रिस्टल होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। ठीक है, उसी का जैसे हम लोग प्रिज्म को जैसे जानते हैं, तो प्रिज्म तो ग्लास का होता है, प्रिज्म जो है वो शीशे का होता है, ग्लास का होता है, लेकिन निकोल प्रिज्म ग्लास का नहीं होता, नाम खाली प्रिज्म है, ये किस चीज का है, इट इज अ स्पेशल क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ, अभी जो लिखा हम लोगों ने, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है ना। और इसकी जरूरत क्या है, इसी की हेल्प से हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी स्टडी करेंगे। अगली हेडिंग करिए ऑप्टिकल एक्टिविटी, अगली हेडिंग करिए ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी। फिर जरा देखिए, जिसको हम लोग सिंपल लाइट कहते हैं, या खाली लाइट कहते हैं, या मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं, मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है हैविंग वन वेवलेंथ, मोनोक्रोमेटिक का मतलब हैविंग ओनली वन वेवलेंथ। तो जो सिंपल लाइट सनलाइट होती है, इसके अगर पार्टिकल हम लोग ऑब्जर्व करें, तो इसके पार्टिकल जिस डायरेक्शन में, जैसे ये एक पार्टिकल है, अगर ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, इधर पार्टिकल मूव कर रहा है ऐसे, तो इसकी प्रॉपर्टी आती है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं, दे वाइब्रेट, ये दे वाइब्रेट इन ऑल द प्लेन्स, दे वाइब्रेट इन, जैसे इधर ऐसे लाइट मूव कर रही है ऐसे, तो ये क्या करेगा, ऐसे ही वाइब्रेट करेगा, ऐसे भी करेगा, ऐसे भी करेगा, यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक पार्टिकल ये था, ये पार्टिकल इट इज वाइब्रेटिंग इन ऑल द प्लेन्स, ऑल द प्लेन्स बट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। अब जैसे देखिए जरा, इस तरफ ऐसे लाइट मूव कर रही थी ऐसे, तो इसके परपेंडिकुलर कितने प्लेन आएंगे, जैसे देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये सारे परपेंडिकुलर है ना, इमेजिन कर पा रहे हैं, सारे परपेंडिकुलर है, तो कितने प्लेन आएंगे, इनफाइनाइट, बहुत अच्छा। तो ये जितने भी हैं, बताइए ये बॉन्ड एंगल कितना आएगा, गौरव फिर 90 डिग्री भाई, है ना,
ये सब 90 तो जाएगा, 2D में ऐसा दिखाई पड़ रहा है, सब 90 डिग्री है भाई, ये तो 90 कोई बता देगा देख करके, लेकिन ये भी 90, ये भी 90, सारे 90 डिग्री हैं। तो एक प्रॉपर्टी हमने ये सीखा कि सिंपल लाइट किसको कहते हैं, सिंपल लाइट और मोनोक्रोमेटिक लाइट इज सच अ लाइट इन विच देयर पार्टिकल्स वाइब्रेट इन ऑल द प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, मतलब जिस तरह लाइट मूव करती है उसके परपेंडिकुलर सारे प्लेन में वाइब्रेट करते हैं, इसको बोलते हैं सिंपल लाइट, इट इज कॉल्ड सिंपल लाइट। ये डायग्राम मेरे साथ साथ कॉपी करिए, एक ऐसे फिर से हम बनाते हैं, मेरे साथ कॉपी करिए, एक ऐसे सर्किल बना दीजिए और बीच में एक पार्टिकल शो कर दिया हमने, एक सर्किल बना दीजिए एक पार्टिकल शो करिए, उसके बाद फिर ये हमने क्या शो किया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, इधर लाइट मूव कर रही है, और एक पार्टिकल को कॉपी करते रहिए, एक पार्टिकल को हमने ऐसे वाइब्रेट किया, फिर इसको दूसरा वाइब्रेट किया, ये वाइब्रेट किया, और इस लाइट का क्या नाम है, तो यह है सिंपल लाइट। सिंपल लाइट की क्या प्रॉपर्टी पता लगी आपको, सिंपल लाइट इज सच अ लाइट इन विच पार्टिकल्स वाइब्रेट इन ना ऑल द प्लेन, नॉट सेम प्लेन, दे वाइब्रेट इन ऑल द प्लेन्स बट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ, बोलिए पूरा सेंटेंस बोलिए, हाँ फिर से सुनिए और सेंटेंस को कंप्लीट करिएगा। हमने कहा कि सिंपल लाइट किसको कहते हैं, सिंपल लाइट इज सच अ लाइट इन विच देयर पार्टिकल्स वाइब्रेट इन ऑल द प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, जिस तरफ लाइट मूव करती है उसके नहीं भाई, फिर से सुनिए ध्यान से और फिर आंसर करिए, सिंपल लाइट किसको कहते हैं, सिंपल लाइट उसको कहते हैं जिसमें लाइट के पार्टिकल्स दे वाइब्रेट इन ऑल द प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है, जिस तरफ लाइट मूव करती है उसके, जैसे ये जो एरो दिखा रहा है ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन दिखा रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर कितने प्लेन आएंगे, इनफाइनाइट, सारे में वो वाइब्रेट करता है, इसी को सिंपल लाइट कहते हैं। तो सिंपल लाइट की प्रॉपर्टी क्या हो गई, सिंपल लाइट की पार्टिकल्स क्या, वो क्या कहें, हाँ जोर से बोलिए, पूरा सेंटेंस बोलिए, पूरा सेंटेंस बोलिए, इनफाइनाइट क्या, सिंपल लाइट इनफाइनाइट होती है, पूरा सेंटेंस बोलिए, चुपचाप मत बैठिए भाई, गलत सही बोलिए, कुछ बोलिए, चार बार बता चुका मैं, पूरा सेंटेंस बोलिए, मिलजुल के नहीं बोलना, अकेले अकेले बोलिए, फिर से सुनिए, पांचवी बार बोलने जा रहे हैं, फिर से सुनिए, ठीक है। हमने कहा सिंपल लाइट इज सच अ लाइट इन विच देयर पार्टिकल्स वाइब्रेट इन ऑल द प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, हाँ बोले रेचल ट्राई करिए, नो इन ऑल द प्लेन्स इन ऑल, हाँ बस ठीक है, जिस तरफ लाइट मूव करती है इसके परपेंडिकुलर सारे प्लेन्स में ये पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, इसको क्या कहते हैं, सिंपल लाइट कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रेचल, जैसे हम लोग को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टडी करने के लिए कुछ टर्म्स की जरूरत पड़ी, वही एक एक करके हमने शुरू किया। अभी पहला टर्म हम लोगों ने स्टडी किया कि निकोल प्रिज्म किसको कहते हैं, और कोशिश करिए कि टाइमली आइए, क्योंकि 5 मिनट में क्या होता है ना कि इनिशियली अगर मिस हो गया तो आप रिलेट ही नहीं कर पाएंगे, पता नहीं क्या बात हो रही है। हाँ ट्राई करिए इसको, टाइमली आया करिए, देखिए हम रिपीट कर रहे हैं, NICOL हेडिंग करिए, NICOL निकोल प्रिज्म लिखिए, निकोल प्रिज्म,
निकोल प्रिज्म। और देखिए ये क्या होता है, जैसे जो ऑर्डिनरी प्रिज्म होता है ना, दो प्रिज्म लेकर के ज्वाइन कर दें तो ऐसा स्ट्रक्चर आएगा। निकोल प्रिज्म इस शेप का होता है, और ये कॉपी करिए, ऐसे शेप कॉपी करिए निकोल प्रिज्म का, और नीचे एक सेंटेंस लिखे, इट इज अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इट इज अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो आप कोई पूछेगा रेचल कि निकोल प्रिज्म क्या होता है, तो बोलेगा कैल्शियम कार्बोनेट का एक क्रिस्टल होता है। जैसे नॉर्मली जो प्रिज्म हम लोग जानते हैं वो तो ग्लास का जानते हैं कि शीशे का होता है, लेकिन ये शीशे का नहीं होता, ग्लास नहीं होता, ये किसका होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, सुनिए एक मिनट में, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, फर्स्ट वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्योंकि अगर ए और बी दो कंपाउंड हैं और ये ऑप्टिकल आइसोमर हैं, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन दोनों का क्या डिफरेंट होगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी डिफरेंट होगी। दे विल बी कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैविंग डिफरेंट ऑप्टिकल एक्टिविटी विल बी कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो अब हमको पता करना है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी किसको कहते हैं। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ऑप्टिकल एक्टिविटी, फर्स्ट वी मस्ट नो व्हाट इज निकोल प्रिज्म, उसके बाद फिर नीचे हेडिंग करिए, यहां पे आप लिखिए ऑप्टिकल एक्टिविटी, इस डायग्राम के ऊपर ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी को समझने के लिए ये सब की जरूरत पड़ रही है, फर्स्ट वी मस्ट बी फैमिलियर विद दिस कॉल्ड सिंपल लाइट, जो हम लोगों ने एक्सप्लेन किया, सिंपल लाइट इज सच अ लाइट इन विच देयर पार्टिकल्स वाइब्रेट इन ऑल द प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, जिधर चलती है। फिर आगे देखिए जरा, अब इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, जैसे ये लाइट मूव कर रही थी, कौन सी लाइट, सिंपल लाइट मूव कर रही थी, फिर हमने इसी के पाथ पे ला करके ये रख दिया, ये क्या रख दिया हमने, निकोल प्रिज्म, कॉपी करिए, सिंपल लाइट के आगे निकोल प्रिज्म लगा दीजिए, सिंपल लाइट के आगे निकोल प्रिज्म लगा दीजिए, NICOL निकोल प्रिज्म लगा दीजिए, निकोल प्रिज्म लगा दीजिए। अब देखिए निकोल प्रिज्म करता क्या है, निकोल प्रिज्म क्या करता है, ये सारे वाइब्रेशंस को, खुद ध्यान से देखिए, ये सारे वाइब्रेशंस को रिस्ट्रिक्ट कर देता है एक प्लेन में, ये इसका काम है। जैसे नॉर्मल जो प्रिज्म होता है उसका क्या काम होता था, फिजिक्स में आएगा, लाइट में आएगा, लाइट इलेवेंथ में आएगी, ट्वेल्थ में, फिजिक्स में ट्वेल्थ में है, अच्छा, तो जब लाइट पढ़ेंगे तो वहां प्रिज्म मिलेगा आपको। तो वैसे अभी तक आप क्या जानते हैं, प्रिज्म का क्या काम होता है, और तेज बोलिए, वॉल्यूम बढ़ाइए थोड़ा, लाइट को एक जगह, देखिए पहले तो सेंटेंस शुरू होते धीरे धीरे करके वॉल्यूम जीरो हो जा रहा है उसका, तो पूरा सेंटेंस ही नहीं सुनाई पड़ा कि क्या कहा आपने, शुरुआत तो बढ़िया हुई लेकिन धीरे धीरे करके वो वॉल्यूम कम होता जाता है, तो एक पिच पे रहना चाहिए पहले, सेंटेंस पूरा सुनाई पड़े पहले, फिर से ट्राई करिए। हाँ प्रिज्म का काम होता है लाइट को डिस्पर्स करना, प्रिज्म का काम है लाइट को डिस्पर्स करना। जैसे ये प्रिज्म है रखा और ये आपने लाइट डाली, तो ये देखिए ये रेड टू वायलेट कितने कलर, सेवन कलर्स में लाइट को क्या करना, डिस्पर्स करना, ये प्रिज्म का काम होता है। कि अगर आपको देखना है कि लाइट में कितने कलर होते हैं तो किसकी जरूरत पड़ेगी, प्रिज्म की जरूरत पड़ेगी, प्रिज्म लगाइए तो लाइट जब निकलेगी तो सेवन कलर्स में आपको दिखाई पड़ेगी, ठीक है। और इसी को मिला करके क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं, सातों कलर के सेट को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो अगर लाइट का स्पेक्ट्रम देखना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रिज्म लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहां पे देखिए सिंपल लाइट के रास्ते में हमने क्या रखा, निकोल प्रिज्म,
तो ये उस तरह का प्रिज्म नहीं है जैसा ये वाला प्रिज्म है, ये तो डिस्पर्स करता है, लेकिन जो निकोल प्रिज्म है वो डिस्पर्स नहीं करता, वो क्या करता है इन सारे वाइब्रेशंस को केवल एक प्लेन में कर देता उठा करके। तो अब देखिए जरा, यहाँ से जो लाइट आएगी अब इसके पास, यहाँ पर आगे जो लाइट पास हो रही है निकोल प्रिज्म से होकर के, तो इसके जो वाइब्रेशंस हैं, जैसे ये लाइट ऐसे जा रही है, अब इसके जो वाइब्रेशंस है केवल एक प्लेन में आ जाएंगे। ये देखिए, ये कॉपी करिए, ओनली इन वन प्लेन, नाउ ऑल दी वाइब्रेशंस आर ओनली इन वन प्लेन, एक प्लेन में आ गए। पहले क्या था, सारे प्लेन में था, इसके पहले निकोल प्रिज्म के पहले ये वाइब्रेशंस, बोलिए बोलिए, सारे प्लेन में थे, दे वर वाइब्रेटिंग, ऑल द पार्टिकल्स वर वाइब्रेटिंग। मेरे साथ साथ बोलते रहिए, गलत सही बेटा, जैसे जब बोलेंगे आप ना तो माइंड आपका इन्वॉल्व होगा, और अगर माइंड नहीं इन्वॉल्व होता है तो क्या दिक्कत है? यस, नहीं कहीं ना कहीं आपको ले जाएगा ये, आप बैठे यहां रहेंगे और एक मिनट में कहीं पहुंचा देगा आपको भी, ये स्कूल ले जाएगा या सिविलाइज ले जाएगा, मोबाइल में ले जाएगा, कहीं ना कहीं ले जाएगा, कहीं ना कहीं घर में ले जाएगा, कहीं फ्रेंड के साथ ले जाएगा, कहीं भी ले जाएगा, एक मिनट में। ये बैठे तो यहाँ पर हैं, अगर आप, हमने कहा ना कि अगर आप इसको उपासना में नहीं लगाते तो ना, तो वासना में लग जाएगा। हमने कहा था ना कि हमारे मन की केवल दो मार्ग हैं, मार्ग मतलब रास्ते, मन केवल दो ही रास्तों पे चलता है। ये कहानी सुनाई थी मैंने ना, ये जो मन हम लोग का होता है वो केवल दो रास्ते पे चलता है, पहला रास्ता और जब सबसे अच्छा है जिस पे इसको चलना चाहिए, जिसके लिए मनुष्य का जीवन मिला है, वो किसके लिए मिला है? उपासना के लिए मिला है। ठीक है, कोई भी एनिमल उपासना नहीं कर सकता और कोई भी क्रिएचर उपासना नहीं कर सकता। उपासना का मतलब, उपासना का मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे इस समय आपके लिए उपासना का मतलब खाली पढ़ाई करना है, फिर जब आप पेरेंट बन जाते हैं तो आपकी उपासना का मतलब कि घर गृहस्थी अच्छे से चलाना है, फिर जब लड़के बच्चों की शादी भी कर दी आपने तो फिर आपकी उपासना का मतलब पूजा पाठ करना है, भगवान का नाम लीजिए, तो सबका यस, और तेज बोलिए, जिम्मेदारी, बहुत अच्छा भाई। कोई अगर इंसान आर्मी में है तो उसके लिए उपासना क्या है? देश की सेवा करना, देश की रक्षा करना, तो सबके लिए उपासना का मतलब अलग अलग है। ठीक है, उपासना समझ आया? अगर आप इसको इस पे नहीं लगाते हैं तो दूसरा इसका रास्ता होता है वासना, दूसरा रास्ता इसका होता है वासना। वासना किसको कहते हैं? वासना डिजायर को कहते हैं, डिजायर को कहते हैं। और वासना दो तरह की होती है, ये पहली वासना शरीर की होती है, आप वो करना चाहोगे जिसमें आपको मजा आती हो, बस सबसे बढ़िया मजा किसमें आती है? सोने में, खाइए सोइए, खाइए सोइए, खाइए सोइए, ये किसका काम है? यही तो जानवर का काम है यार, खाना सोना, खाना सोना, और क्या करता है जानवर, यही तो करता है, तो वही काम हम भी कर रहे हैं, तो मेरे कुत्ते भी क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। तो ये कहना चाह रहे थे कि पहली वासना इसकी शरीर की होती है कि खूब बढ़िया कपड़ा पहन लें, खूब बॉडी बिल्डिंग कर लें, पूरा ध्यान शरीर पर लगाए, और इसको ये नहीं पता होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क, 1% ही फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है कि आपके अंदर क्या है। भाई कोई सिंगर है एकदम उसका शरीर एकदम काला है, कोई कुछ नहीं, एकदम बेकार सा है, लेकिन द मोमेंट ही स्टार्ट शी स्टार्ट सिंगिंग पीपल स्टार्ट क्राइंग। आप देखिए जरा क्या फर्क पड़ता है, क्या कपड़ा पहना, क्या नहीं किया। ठीक है भाई, हम क्या पहन के आते हैं, कैसे आते हैं, किस गाड़ी, क्या फर्क है? अगर आपको पढ़ाई अच्छी लगती है तो मेरा कपड़ा नहीं देखेंगे आप, खाली यहां देखेंगे आप, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मन तो इसमें जाता है, बॉडी में जाता है कि यार, हाँ यार क्या पर्सनैलिटी है भाई। एक आप ये देखिए कि अगर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, ये कहा जाता है कि यू आर हायर्ड बाय योर क्वालिफिकेशन, यू आर हायर्ड बाय योर क्वालिफिकेशन बट यू आर फायर्ड बाय योर बिहेवियर, यू आर फायर्ड बाय योर
बिहेवियर, क्या मतलब हुआ, आप अंदर आ तो जाओगे, डिग्री अगर है तो आ जाओगे, लेकिन ज़्यादा देर रुक नहीं पाओगे अगर आपके पास बिहेवियर अच्छा नहीं है। तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है शरीर से, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है उससे फर्क पड़ता है, माइंड आपका कैसा है, शरीर है और दूसरा यहां पे है वासना संसार, दो दो तरह की वासनाएं हैं। तो मन को अगर आप इसमें नहीं लगाते हैं, किसमें, उपासना में, तो या तो ये शरीर में जाएगा या ये संसार में जाएगा। और ये दोनों इन दोनों की सबसे बड़ी दिक्कत जानते क्या है, दे आर नेवर कंटेंट। आप कितनी चॉकलेट खा लें कि अब आगे खाना चॉकलेट खाने का मन न करे, या अगर आपको नॉनवेज अच्छा लगता है तो कितना नॉनवेज खा लें कि नॉनवेज खाने का मन न करे, कभी नहीं रुकता वो, हमेशा मन करता है। इसलिए तो कहते हैं कि जब आदमी की उम्र बढ़ती है लेकिन मन कभी बूढ़ा नहीं होता, कभी नहीं बूढ़ा होता है। भाई अभी तक आप ये बताइए कि मान लिया आपसे क्वेश्चन करते हैं, आप 15-16 साल के हो गए, अभी तक आपकी कुछ डिजायर्स फुलफिल हुई कि नहीं हुई, रेचल बोलिए हुई है ना। तो अगर कुछ डिजायर्स फुलफिल हुई है तो आपके लिस्ट ऑफ डिजायर छोटी होनी चाहिए फिर। अब आप ईमानदारी से सोच के बताइए कि डिजायर की लिस्ट अभी छोटी हुई कि बड़ी हुई है, बढ़ रही है, तो इसका ना कि कुछ गड़बड़ है इसमें। इसको जानते क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड, जैसे ये कहते हैं ना, हम लोग कहते हैं सब मोह माया है, ऐसे बोलते हैं सब मोह माया है। ये मोह क्या होता है, मोह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोह को इंग्लिश में डिल्यूजन कहते हैं, डिल्यूजन का मतलब क्या होता है कि यार समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें, इसको डिल्यूजन कहते हैं, मतलब दिमाग इंटेलेक्ट काम नहीं करता कि क्या करना क्या नहीं करता, फिर लगा अरे सॉरी यार हम ये मेरा इंटेंशन नहीं था यार, सॉरी वेरी सॉरी यार, वेरी सॉरी, गलती हो गई मेरे से, क्योंकि दिमाग नहीं काम कर रहा था आपका, बस बोल गए आप, यार जान के नहीं किया मैंने, जान नहीं, सब झूठ बोल रहा है ये, उसने अपने फायदे के लिए किया था लेकिन अब ये बात बनी नहीं तो आप सॉरी बोल रहा है ये, पहले ये इसको डिल्यूजन कहते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, इल्यूजन किसको कहते हैं, माया जिसको कहते हैं, इल्यूजन मोह माया, ये दोनों इंग्लिश वर्ड रट लीजिए, मोह को इंग्लिश में डिल्यूजन कहते हैं, माया को इंग्लिश में इल्यूजन कहते हैं। इल्यूजन का मतलब होता है, देखिए बहुत अच्छा है ये, मां या मां का मतलब होता है नो संस्कृत में, जो नहीं होता, और या का मतलब जो नहीं, ये नो हो गया और ये है, जो नहीं है उसको माया कहते हैं, जो नहीं है उसको माया कहते हैं। जैसे ये जो पूरा वर्ड है, भाई आपको क्या लगता है कि आप यहां पे, हम लोग कितने दिन यहां पे रहने के लिए आए हैं, हाँ नहीं, आप प्रैक्टिकल बात करिएगा, कैन वी लिव मोर देन 100 ईयर्स, आंसर इज नो। एक 80 साल के इंसान के पास जाके पूछते हैं क्या और कितने दिन जिंदा है रहना है तुमको, ये तो एक्सेप्ट करता है कि हाँ 100 से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन उस समय ना तो वो कुछ खा पाता है क्योंकि दांत सारे चले गए उसके, ना खा पाता है, ऐसे झुका रहता है, ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे लेकर ऐसे चलता है 80 साल में, ठीक है। और आप उससे पूछ लीजिए कितना बैंक बैलेंस अभी और चाहिए, कौन सी गाड़ी चाहिए, कौन सा, सब लिस्ट बना देगा, अभी ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, शादी करना, हाँ शादी करना है, हाँ 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 सब सब करना है, सब करना है, कर कुछ नहीं पाएंगे क्योंकि बॉडी तो सब धीरे धीरे करके क्या होगी, वीक होती जाती है। इसी को माया कहते हैं, और इसी की वजह से क्या होता है, हम जिंदा रहते हैं माया की वजह से जिंदा। अगर ये आपको एहसास हो जाए कि यार सुना है कि 60 पे रिटायरमेंट हो जाता है, तो मतलब 60 के बाद गवर्नमेंट भी आपको बाहर कर देती है,
इसका मतलब कि अब फिजिकल एबिलिटी उतनी नहीं रहती है। तो अभी तक जैसे मान लिया 15 साल तो बीत गए, 45 ही तो बचा, तो जैसे 15 बीचा, 15 और बीतेगा, 15 और बीतेगा, 15 और बीते, खत्म हो गया भाई। 15 साल बीतने में क्या पता लगा कि कैसे 15 साल बीता? लगता अभी कल की तो बात है। आप याद करिए, 10th याद करिए कि 10th अभी 9th था, अभी 10th था, अभी 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 याद आता है, अभी अभी 9th में, अभी 10th पे थे, अभी अभी नहीं लगता, इतने बड़े हो गए। 2 साल तो निकल गया, तो ऐसे 2-2 साल करके निकल जाता है। तो मतलब कहने का ये है कि ये जो हमारा माइंड होता है, इसी की वजह से इसको ये अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? वासना अच्छी लगती है। और इसके साथ से सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ये एवर, हाँ बोले, कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता ये मन, इसको और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और उसके चक्कर में वो कोई लिमिट नहीं होती है, ठीक है, तो कभी भी हैप्पीनेस नहीं मिलती है, ये दिक्कत है। तो इसीलिए अगर आप इसको यहां नहीं लगाते तो यहां ये चला जाता है, उसके बाद आपको रुलाएगा बाद में रखे। इसलिए मेरे साथ इन्वॉल्व रहिए, इसको उपासना में लगा कर रखिए, मतलब मेरे साथ आप बोलते रहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं तो ये माइंड आपको लेके जाएगा। हमने क्या किया कि सिंपल लाइट को किसके थ्रू पास किया? निकोल प्रिंस के थ्रू पास किया। तो क्या हुआ फिर पास करने के बाद? ना, और फिर से बोलिए, हाँ बोलिए, फिर से बोलिए, ऑल द वाइब्रेशंस आर इन वन प्लेन नाउ। हाँ, वन प्लेन नाउ, इसके पहले क्या था? सारे प्लेन में हो रहा था, अब केवल एक प्लेन में हो रहा है। जिस प्लेन में वाइब्रेशन होता है उसको बोलते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। दिस लाइट इज कॉल्ड पोलराइज लाइट, यहां पे नाम लिखिए पोलराइज लाइट, दिस इज कॉल्ड पोलराइज लाइट। निकोल प्रिंस के पहले कैसी लाइट थी? सिंपल लाइट थी। निकोल प्रिंस ने क्या किया अब बता देंगे आप, निकोल प्रिंस का काम क्या होता है बोलिए? लाइट को ना 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 डिस्पर्स तो प्रिज्म करता था, निकोल प्रिज्म कुछ दूसरा करता है, बोलिए, एक प्लेन में कर देता है, बस सारे पार्टिकल को एक प्लेन में फोर्स करता है वाइब्रेट करने के लिए। कि आफ्टर पासिंग निकोल प्रिज ऑल द वाइब्रेशंस आर ओनली इन वन प्लेन, सच अ लाइट इज कॉल्ड पोलराइज लाइट, सच अ लाइट इज कॉल्ड पोलराइज लाइट। पोलराइज लाइट मतलब पोलराइज लाइट कैसे बनाते हैं? निकोल प्रिंस से बनाते हैं। सिंपल लाइट है, उसके रास्ते में निकोल प्रिंस लगा दीजिए तो आप जो लाइट मिलेगी वो पोलराइज लाइट मिलती है। यहां तक समझ आ रहा है? फिर आगे देखिए, इसी के आगे मैंने क्या किया, इसी के आगे मैंने देर आर सम ऑर्गेनिक सब्सटांसेस विच वेन प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ पोलराइज लाइट। ये देखिए, इसी को ऐसे आगे एरो बनाइए, और हमने क्या किया, दीज आर सम ऑर्गेनिक सब्सटांसेस विच वेन प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ पोलराइज लाइट देन दीज कंपाउंड हैव अ प्रॉपर्टी बाई विच दे रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट। ये कंपाउंड ऐसे हैं जो पोलराइज लाइट के प्लेन को रोटेट कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं। तो या तो देखिए, या तो ये राइट साइड में रोटेट करेंगे, ये ऐसे, या तो राइट में रोटेट करते हैं और या तो ये लेफ्ट में रोटेट करते हैं। आगे मैंने किया, ये एक ऐसे बनाइए, फिर लिखिए और, या रोटेशन हमने लेफ्ट में कर दिया, ऐसे लेफ्ट में कर दिया, ठीक है। अगर ये प्लेन को रोटेट कर देता है तो इसी कंपाउंड को बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। यहां पे लिखिए ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। क्या होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस? आर दो सब्सटेंसेस विच कैन रोटेट, विच कैन रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट। पोलराइज लाइट जा रही थी और रास्ते में आपने इनको रख दिया। देर आर सम ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक लैक्टिक एसिड का नाम सबने सुना, लैक्टिक एसिड, अभी स्टडी ग्लूकोज सब लोग जानते हैं, ग्लूकोज, ये सारे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं।
अब समझ जाएगा कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड किसको कहते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वो होते हैं कि अगर उनको सिंपोलराइज लाइट के रास्ते में रख दिया जाए तो ये क्या करेंगे, पोलराइज लाइट के प्लेन को रोटेट कर देते हैं, या तो वो राइट साइड में रोटेट करेंगे या लेफ्ट में करेंगे। अगर राइट में रोटेट करते हैं तो इनको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। तो यहां पे खाली लिखिए डी फॉर्म, जो राइट में रोटेट किया इसको बोलते हैं डी फॉर्म, कॉपी करते रहिए डी फॉर्म, और जो लेफ्ट में रोटेट किया इसको लिवो कहा जाता है, शॉर्ट में हम एल फॉर्म लिखेंगे, एल फॉर्म, एल फॉर्म। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड किसको कहते हैं, दोज कंपाउंड्स विच कैन रोटेट व्हाट, प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट। बहुत अच्छा, दोज कंपाउंड्स विच कैन रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट दे आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। और ये कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, डी फॉर्म एल फॉर्म। डी फॉर्म किसको कहते हैं, जो प्लेन को, पूरा बोलिए, पूरा बोलिए, हाँ, जो प्लेन को राइट में रोटेट करते हैं उनको डेक्स्ट्रो रोटेटी कहते हैं, जो लेफ्ट में करते हैं उनको लिवो रोटेटी कहते हैं। अब जरा देखिए यहां से और यहां तक आने में क्या चेंजेस हुए, यहां से और यहां तक आने में क्या चेंज हुआ, प्लेन खाली रोटेट हो गया। दिस रोटेशन, एक एक वर्ड सुनिए आपको रट जाएगा, दिस टाइप ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। कितना सिंपल है, व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी, मियर रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी, मियर रोटेशन ऑफ, जितनी बोलिए और तेज बोलिए, वॉल्यूम बढ़ाइए पहले, गौरव आप बोलिए। हाँ ये देखिए, मैंने नियर कहा ही नहीं, मैंने मियर कहा, आप नियर बोल रहे हैं। मियर का मतलब क्या होता है, नियर का मतलब तो पास होता है, तो यहां पे नियर का क्या मतलब हुआ, नियर रोटेशन, हमने कहा मियर रोटेशन। मियर को, मियर का मतलब क्या होता है, मियर का मतलब होता है ओनली, मियर का मतलब होता है ओनली। तो हमने कहा कि ओनली रोटेशन ऑफ, बोलिए, पोलराइज लाइट, बस मियर रोटेशन मतलब ओनली रोटेशन ऑफ पोलराइज लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी, बस। तो देखिए यहां से यहां तक आने में क्या हुआ, खाली प्लेन ही तो रोटेट हुआ है, और क्या हुआ है, पहले ये परपेंडिकुलर था और अब हम आ गए, तो हम इसको थीटा सपोज कर लेते हैं कि थीटा पे रोटेट हो गया राइट हैंड साइड पे, या थीटा एंगल पे लेफ्ट पे रोटेट हो गया, तो चाहे लेफ्ट होगा चाहे राइट होगा, दोनों को हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी, इसको ऑप्टिकल एक्टिविटी। और जो काम ये कंपाउंड करता है उसको क्या कहें, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस, बस ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो गया, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या करते हैं, वो पोलराइज लाइट के प्लेन को, बोलिए जितिन, रोटेट कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं। भी पहले ऐसे परपेंडिकुलर था, रास्ते में लगा दिया तो या तो राइट घुमा दिया या लेफ्ट घुमा दिया, इसी को ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस कहते हैं। एंड दिस रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी बता देंगे क्या होता है, तो आपको कहां से ऑप्टिकल एक्टिविटी बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट यू गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंपल लाइट। जैसे यहां पे हम लोगों ने किया कि पहले आप बताइए कि सिंपल लाइट क्या होता है, सिंपल लाइट इज सच अ लाइट इन विच पार्टिकल्स वाइब्रेट इन ऑल द प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। फिर व्हेन सिंपल लाइट, व्हेन वी प्लेस निकोल प्रिज इन द पाथ ऑफ सिंपल लाइट, देन व्हाट हैपेंस, दिस निकोल प्रिज क्या करता है, ये दिस विल, यस हाँ, दिस विल फोर्स ऑल द वाइब्रेशंस इन वन प्लेन, दे नाउ द पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग ओनली इन वन प्लेन, दिस लाइट इज कॉल्ड पोलराइज लाइट,
इसको पोलराइज लाइट। तो निकोल प्रिंस का काम क्या है, पोलराइज लाइट को बनाना निकोल प्रिंस का काम है। फिर आगे हम लोग चलते हैं कि देयर आर सम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस व्हिच इन सॉल्यूशन फॉर्म और क्रिस्टलाइन फॉर्म दे हैव अ प्रॉपर्टी व्हेन दे आर प्लेस इन द पाथ ऑफ पोलराइज लाइट देन दे कैन रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट। सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। If it is rotating the plane to the right, it is called dextrorotatory. अगर left में करता है तो levorotatory. ठीक है, explanation note करिए, पैरे change करिए, आगे लिखिए simple light consists of waves vibrating. Simple light consists of waves vibrating. In all the planes, waves vibrating. In all the planes perpendicular. All the planes perpendicular to the direction of propagation. To the direction of propagation. direction of propagation फिर पैरा चेंज करिए when simple light is passed through Nicol prism निकोल प्रिज देन कॉमा waves are restricted to vibrate in one plane. Full stop. Such light is called क्या हो जाएगा, polarized light. बहुत अच्छा, polarized light लिख के अंडरलाइन कर दीजिए. Such light is called polarized light. फिर पैरा चेंज करिए. Some organic substances like lactic acid, comma, tartaric acid, glucose, etc. Have a property by which they rotate the plane of polarized light. Plane of polarized light. When placed in the path of polarized light. Full stop. Such substances are called optically active substances. Optically active substances.
and this phenomena is called ऑप्टिकल, क्या हो जाएगा, एक्टिविटी, अंडरलाइन करिए, ऑप्टिकल एक्टिविटी। फिर पेरेंट चेंज करिए, दी सब्सटेंसेस विच रोटेट the plane of polarized light, substances which rotate the plane of polarized light to the right, are called dextrorotatory, अंडरलाइन करिए, dextrorotatory किसको कहते हैं, जो राइट में टर्न करा देते हैं। फिर आगे कंटिन्यू करिए, while those which rotate to the left are called levorotatory, अंडरलाइन करिए, levorotatory. नाउ स्टॉप राइटिंग। अब देखिए क्वेश्चन ये भी आएगा, ये जो अरेंजमेंट हम लोगों ने पूरा किया, जिस डिवाइस में ये अरेंजमेंट होता है उसको पोलारीमीटर कहते हैं, मतलब जिस इंस्ट्रूमेंट से ऑप्टिकल एक्टिविटी को मेजर करते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी थीटा से एक्सप्रेस करते हैं या अल्फा से करते हैं, नहीं दो में से किसी से भी कर सकते हैं, थीटा से भी करते हैं, अल्फा से भी करते हैं, मतलब ये कोई एंगल होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी कोई एंगल होगा। जैसे हमने ये किया कि अल्फा इज इक्वल टू प्लस 45 डिग्री, क्या मतलब हुआ, अल्फा इज इक्वल टू प्लस 45 डिग्री, राइट को प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, इसने क्या किया, पोलराइज लाइट को 45 डिग्री किधर, राइट में टर्न कर दिया, लाइट में टर्न कर दिया। हमने लिखा अल्फा इज इक्वल टू माइनस 15 डिग्री, बस लेफ्ट में कितना 15 डिग्री हमने लेफ्ट रोटेट करा दिया। तो ये दो तरह की ऑप्टिकल एक्टिविटी को ऐसे मेजर करते हैं, तो अल्फा या थीटा से एक्सप्रेस करते हैं, और किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं उसको क्या कहते हैं, पोलारीमीटर कहते हैं, दिस कॉल्ड पोलारीमीटर, जिससे ऑप्टिकल एक्टिविटी को मेजर किया जाता है। ठीक है, बीएससी में ये हम लोग को एक्सपेरिमेंट कराया गया, जैसे ग्लूकोज, तो हमको पता लग गया कि ग्लूकोज इज ऑप्टिकली, अभी तो लिखा हम लोगों ने ग्लूकोज ऑप्टिकली एक्टिव होता है, मतलब कि अगर ग्लूकोज सॉल्यूशन से हम पोलराइज लाइट को पास करें तो ये क्या करेगा, ग्लूकोज क्या करेगा, रोटेट कर देगा, राइट या लेफ्ट में रोटेट कर देगा, तो दैट्स व्हाई ग्लूकोज इज कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अब देखिए जरा आपको सेंटेंस समझ में आएगा, ऑलमोस्ट ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, कार्बोहाइड्रेट समझते हैं, बायो वाले तो ज्यादा समझ रहे होंगे, ऑलमोस्ट ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, कार्बोहाइड्रेट ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, जिसको हम लोग ग्लूकोज के नाम पे जानते हैं। कभी ध्यान दीजिएगा कि जैसे जब कभी आपने देखा जिस पेशेंट को ग्लूकोज चढ़ाया जाता हो, कभी देखा ग्लूकोज जब चढ़ रहा हो, जैसे गए हॉस्पिटल में तो डॉक्टर ने क्या कह दिया कि आम आदमी को ज़्यादा समझ में आता नहीं है, भाई डॉक्टर जो कह रहा है कह रहा है, लिटा दिया उनको, लिटा दिया तो लगा हाँ बीमार है अब,
और ग्लूकोज को चढ़ाने लगे तो लगता हाँ कुछ हो रहा है। अरे ग्लूकोज चढ़ रहा है यार, वो तो घर में भी हो सकता था, चीनी पिला देते वो काम हो जाता, लेकिन वहाँ सब लगा रहता तो लगता हाँ कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है, ग्लूकोज चढ़ रहा है। और आ करके जब अगले दिन उससे पूछिए कि क्या हो गया था, अरे क्या बताएं, 4 बोतल ग्लूकोज चढ़ा हमको। मतलब ये क्या बता रहे हो, 4 बोतल ग्लूकोज चढ़ा? अरे आप घर पे आते हैं, हम तुमको 2 बोतल चीनी पिला देते, कहाँ ख़त्म हो जाती, 4 बोतल ग्लूकोज चढ़ा तो लग रहा, मतलब उनको ना कोई सिंपैथी हमको जताए कि अच्छा 4 बोतल ग्लूकोज चढ़ा, अरे जिसमें हो क्या गया, ग्लूकोज चढ़ गया तो अच्छा ग्लूकोज चढ़ा क्यों था? नहीं आप जब तक पैसा ना खर्चो हॉस्पिटल में, उनको लगे ना ट्रीटमेंट हुआ, और डॉक्टर बिल बनाएगा कैसे अगर कुछ करेगा नहीं तो बनाएंगे कैसे वो, और उसी के लिए हॉस्पिटल खोला है उसने वो। और सो सब भाई ये देखिए, हम तो अब ये कह रहे हैं कि साइंस टुडे हैज बिकम कॉमर्स, पढ़ाई करते हैं साइंस की और उसको कॉमर्स में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। भाई डॉक्टर्स अगर कॉमर्स नहीं है तो उनकी मजबूरी है, 1 करोड़ तो उसने MBBS की डिग्री में खर्च किया, तो पैसा लाएगा कहाँ से वो? अगर आपको ग्लूकोज नहीं चढ़ाएगा, कह दिया घर में चीनी पी लेना, तो उसको पैसा कहाँ से मिलेगा फिर है कि नहीं? तो ये चल रहा है। लेकिन चलिए, ग्लूकोज हमने कहा कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं वो सारे मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। तो BSc में हम लोग को ग्लूकोज की ऑप्टिकल एक्टिविटी मेजर करने के लिए एक्सपेरिमेंट दिया जाता है। ये फिजिक्स का प्रैक्टिकल था, लाइट का फिजिक्स का प्रैक्टिकल है, केमिस्ट्री का नहीं, ये हमको BSc में दिया जाता है। तो उसमें डार्क रूम होता है और इसी में हम लोग आँख एक आँख बंद करके जैसे नहीं देखा जाता उसमें से, तो बहुत अच्छा हाँ माइक्रोस्कोपी तरह से वो दिखाई पड़ता है, वो एंगल दिखाई पड़ता है। तो 3-4 रीडिंग ले करके फिर उसका एवरेज निकाल करके अब वो करना पड़ता था, ठीक है। अच्छा चलिए, फिर उसके बाद देखिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है जिससे ऑप्टिकल एक्टिविटी मेजर करते हैं, पोलैरिमीटर। नीचे लिखे नोट, नीचे लिखे नोट, द इंस्ट्रूमेंट बाय विच, द इंस्ट्रूमेंट बाय विच ऑप्टिकल एक्टिविटीज मेजर्ड, ऑप्टिकल एक्टिविटी इज मेजर्ड इज कॉल्ड पोलैरिमीटर, POLARI, PO है ऑप्टिकल एक्टिविटीज मेजर्ड इज कॉल्ड पोलैरिमीटर, POLARIMETER, अंडरलाइन करिए पोलैरिमीटर, पोलैरिमीटर फुल स्टॉप। द रोटेटरी पावर इज एक्सप्रेस्ड, रोटेटरी पावर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन, इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन ब्रैकेट में लिखे थीटा और अल्फा, थीटा और अल्फा, थीटा और अल्फा इसी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर अगली हेडिंग करके छोड़ दीजिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसका मतलब कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझने के पहले हमें क्या पता होना चाहिए, ऑप्टिकल एक्टिविटी पता होनी चाहिए, ठीक है। अब अगले टर्न पे जब हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो देखिए अब आपको ये लैंग्वेज समझ में आएगी। हम आपसे ये कहेंगे कि A and B आर ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो अब आप बताइए व्हाट डज इट मीन, अगर ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? हाँ डिफरेंट होगी, बहुत अच्छा। जैसे हमने ये काम कर दिया कि इसका
अल्फा की वैल्यू है +90, इसके अल्फा की वैल्यू है -40, ये ऑप्टिकल आइसोमर हो गया। भाई ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ये लिवो रोटेटरी है, और दोनों का फॉर्मूला सेम आ रहा है। जैसे देखिए, सबको पता है ना C6H12O6, ये क्या है? ग्लूकोज। ये फ्रक्टोज भी है, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फ्रक्टोज ऑल्सो। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है, लेकिन दोनों का ये अलग होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी अलग अलग होती है। ग्लूकोज जो भी हम कह रहे थे कि आप किसी भी इंसान को जिसको ग्लूकोज चढ़ रहा हो तो जाके बॉटल के पास देखे, उस पर ग्लूकोज नहीं लिखा रहता। अब ध्यान दीजिएगा, बोलते हैं ग्लूकोज चढ़ा, 4 बोतल ग्लूकोज चढ़ा, ये बोलते हैं, लेकिन उनसे पूछे कि तुमने देखा था बॉटल में ग्लूकोज लिखा था? ये नहीं पता, मैं चढ़ा था, है ना, उस पर लिखा रहता है डेक्सट्रोज। अब इसको ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा रहता है? डेक्सट्रोज। ग्लूकोज के 16 आइसोमर्स होते हैं, ग्लूकोज नॉट वन कंपाउंड, ये आपको लगता है एक कंपाउंड है, ये 16 कंपाउंड है, 16 आइसोमर होते हैं इसके, 16 आइसोमर्स होते हैं इसके, ठीक है। उसमें से जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है उसको डेक्स्ट्रोज कहते हैं। ये जो ग्लूकोज हम लोग जिसको ग्लूकोज के नाम से जानते हैं, उसमें से जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है उसी के सोल्यूशन को डेक्स्ट्रोड कहते हैं, वही चढ़ाया जाता है पेशेंट को। तो अब डॉक्टर के लैंग्वेज में ग्लूकोज नहीं कहा जाता, डेक्स्ट्रोज कहा जाता है। अब बॉटल को भी देखिए क्या चढ़ रहा है, तो डेक्स्ट्रोज चढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब तो ये तो समझ आना है कि अगर ए और बी मैंने कहा दे आर ऑप्टिकल आइसोमर, तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों की ऑप्टिकल एक्टिविटी फर्क है, बस दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, दोनों की ऑप्टिकल एक्टिविटी डिफरेंट होगी, ठीक है। बस हेडिंग करके छोड़ दिए ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, फिर अगले टर्न पे किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।